की शादी का स्यापा, मुझे तो पता ही नहीं था। लड़के वाले जक्के आंटी के जा जाके अपनी जुतियां के सहारे हैं, हैं? और यहाँ हमारी साइड तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हम तो अजीब मुसीबत में फंस गए। भी अम्मा वहाँ जाने को तैयार नहीं है, बाबा यहाँ आने को तैयार नहीं है। भाभी एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग की ना दुआ लेकर आया हूँ, अब इंशाल्लाह सब मसले हल हो जाएंगे। घर आ गया ना मेरा गोंगलू, मौजी को कहाँ छोड़ के आया है? जकिया खाला की तरफ। जकिया खाला? हमारी जकिया आंटी, वही ना। चौथी मोर वहाँ बैठी हुई है, वो कौन है जो पिछले 3 घंटे से मेरा भेजा फ्राई कर रही है? जकिया आंटी की रूह। मैं तो अभी अभी छोड़ के आया उनकी तरफ। कितना हसीन है पाक है, क्या पता जकिया आंटी और माजी फन छुपाई खेल रही हैं। शर्जीत आया की तरफ भेज दे उन्हें, सुना आज वहाँ जर्दा पका है। वॉच इट, देख रही हूँ तुझे मैं। तुम ना सबसे झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। बताओ क्या छुपा रहे हो? क्या झूठ बोला है मैंने? भी अम्मा को कहाँ छोड़ के आए हो? आपके महके में है तो काम शुरू हो गया मिशन इम्पॉसिबल पर। ऐसा वैसा, बस आपकी दुआएं चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, मुझे मानो भी यकीन नहीं है बिल्कुल भी। टेंशन ना ले, मैं हूं ना। आ जाए, खाला लग गया। छो जकिया खाला ना चंगा खड़का के गई है मुझे। कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने का। बात भैंस की नहीं है, आपकी वालदा माजदा की है, खातून अव्वल की। जाओ फिर खातून अव्वल से माफी मांग लो भाई। क्या हो गया अब्बा जी, आपने इस उम्र में ना मेरे चिट्ठे चाटे में खेत जरूर पड़वानी है। कसूर भी तो तुम्हारी औलाद का है ना। हाँ तो भी अम्मा जो है वो अपनी औलाद की खातिर मेरी औलाद की गलती को इग्नोर नहीं कर सकती। खुदा की कसम इन बातों से तंग आकर मैं किस दिन चली जाऊंगी दारुलमान। बैठो आराम से, चुप करके खाना खाओ। मैं तो कई सालों से चुप ही हूँ अब्बा। जब मैं मर जाऊंगा ना तो तुम अपनी माँ को लेकर दारुलमान चली जाना, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें कोई रखने वाला नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे यार, और कैसी बातें करूँ? किस कदर दुश्वार कर दिया तुम लोगों ने मेरे लिए मेरी बेटी की शादी करवाना है, दोनों भाइयों ने मिलके। रोटी पकड़ा। खाना नहीं खा रहे हो? मैं यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोड़मे खाए जा रहे हैं। अरे तुम भी गिल्ल होने वाले, औलाद ने तो खून खुश कर दिया ही हमारा। अब हमें प्लीज बहुत मुश्किल से मना कर लाई हूँ, अब मजीद कोई जली कटी बात मत करिएगा प्लीज। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी औलाद ने कोई तो अकल का काम किया। आए ना अम्मा भी बैठे ना, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया, भिंडी गोश्त।